सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। द टॉल्स ब्रिज स्कूल में हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारत सरकार के रक्षा मंत्री और अनेक अनेक पदों को जिन्होंने सुशोभित किया है, श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सैनिक कल्याण एवं अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो लगातार सैनिकों के रूप में भी काम करते हैं, आदरणीय विनय जोशी जी, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी, सुशी तारणी रावत जी, सुपुत्री स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी और टॉन्स ब्रिज स्कूल के चेयरमैन श्री विजय नागर जी, हमारे विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव कुंदीप जी, कैंट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता कपूर जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत सारे सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक जवान और विद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को सत सत नमन करता हूं और इसके साथ ही आज जिनके कर्तव्य मुस्लिम से आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे अभिभावक व राजनीतिक क्षेत्र में जिनको हम आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं, मानते हैं, आरणी राजनाथ सिंह जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी अतिथियों का भी मैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की स्मृति में उनके मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का भी और रेखा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा गीत यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया, हमारे विद्यालय के छात्रों ने, छात्राओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु से देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। विशेषकर उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था और उत्तराखंड के लिए और बड़ा नुकसान था, फिर भी उनकी मूर्ति के आज हो रहे अनावरण के द्वारा हम स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित कर ही सकते हैं। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तथा भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास में उत्तराखंड के वीर सैनिकों का बहुत विशिष्ट योगदान रहा है। जितने भी युद्ध हुए हैं देश की आजादी के बाद, उससे पहले सभी युद्धों में यहाँ के वीरभूमि के सैनिकों का अपना एक विशिष्ट योगदान रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का सेना में शामिल होना प्रमुख प्राथमिकता हमेशा से रही है और प्रत्येक परिवार से उत्तराखंड के अंदर कोई
सेना में होता है, कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री में, देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवा उत्तराखंड के लोग देते हैं। सैन्य सेवा हमारे लिए केवल एक रोजगार का साधन नहीं, वरन देश सेवा समाज के लिए जीवन समर्पित करने का उत्कृष्ट मौका भी है। और स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी अपने जीवन काल में उत्तराखंड की इसी सैन्य परंपरा का निर्वहन किया है। और मैं एक बार सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि सेना केवल एक नौकरी मात्र नहीं, सेना देश सेवा है, सेना अपने आप का समर्पण है। मातृभूमि के लिए उनके चार दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और रणनीतिक कौशल से परिपूर्ण थी। 16 दिसंबर 1978 उन्हें 11 जिया की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला और उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वो केवल और केवल देश के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। उन्होंने हर सांस देश के लिए दी। उनका सेनाध्यक्ष तथा प्रथम सीडीएस बनना ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो कितने योग्य थे अपनी सेवा में, कितने योग्य जनरल थे, एक फौजी थे। सेना के तीनों बंगों के आधुनिकरण के तथा देश को रक्षा आवश्यकताओं के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाए जाने हेतु स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा विशेष योगदान किया गया। भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वो एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। सामरिक मामलों में उनके अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। जनरल बिपिन रावत जी ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के वो महारथी थे। जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भली भांति जानते हैं। अनेक उदाहरण जब कठिन चुनौतियों में उनकी रणनीति और उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल ने हमेशा देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक की अभी बात हो रही थी जब रेखा जी अपना यहाँ से संगीत की प्रस्तुत कर रही थी, तो उनके द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक में सेना को मार्गदर्शन किया गया वो हमारे सैनिकों के बहुत काम आया। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए अगर काफी लंबा समय भी हो तो मैं समझता हूँ वो भी कम पड़ेगा। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाने का काम किया। देश के साथ साथ हमारे राज्य की जो धरती है उत्तराखंड से, जो उनकी जन्मभूमि थी, उनसे बहुत प्रेम वो करते थे। मैं जहाँ तक अपने व्यक्तिगत बात करूँ तो बहुत लंबा मेरा उनसे नहीं था, लेकिन जितना भी करते थे हमेशा उन्होंने हिम्मत बढ़ाने का, हमेशा उत्साह बढ़ाने का काम वो करते थे। और मुझे याद है कि पिथौरागढ़ में जब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था, हमारे गणेश जोशी जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे और उस कार्यक्रम में उनको भी वहां सम्मिलित होना था, तो उन्होंने फोन किया और फोन पर गणेश जोशी जी के ही फोन पर फोन आया और उस फोन पर उन्होंने मुझसे लगभग 15-16 मिनट तक बात करी। तो मैं सोच रहा था कि मैं इनसे इतनी लंबी बात कर रहा हूं, क्या ये आज क्यों नहीं आए होंगे। कुछ ही दिनों के बाद जब ये दुर्घटना हुई तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके मन में या विचार में कहीं न कहीं नियति में चल रहा था कि शायद उनसे अंतिम बार मेरी बात हो रही है। और चूंकि मैं एक सैन्य परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से मैंने कहा कि सेना में कोई भी रहता है, मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, महारेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की, उस महारेजिमेंट तक भी मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक बनने के बाद पहुंचाने का काम, उन सैनिकों के बीच में जाने का अगर मुझे अवसर मिला तो उसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि जनरल बिपिन रावत जी को जाता है कि उन्होंने मेरे सारे कार्यक्रम को अपनी दुर्घटना से पहले ही उन्होंने तय करवा दिया था, जिसके कारण से मैं वहां जा पाया। और वहां जाकर मैं जिस प्रकार से भावुक हुआ, मुझे लगा कि रात को जब मैं खाना और सेना का जो खाने का कार्यक्रम होता है रात का, उसके बाद 11-12 बजे जब मैं फ्री हुआ
तो मैं जब उस पूरे सेंटर के अंदर चक्कर लगा रहा था सागर मध्य प्रदेश में जाकर, और जिस प्रकार से सैनिक लोग बहुत ही आत्मीयता से जय हिंद साहब जगह जगह बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था और मैं वो याद कर रहा था, मेरी आंखों में आ रहा था कि जब मेरे पिताजी सेना में भर्ती हुए होंगे, 16-17 साल में उस समय भर्ती होते थे, तो वो कैसे उस समय आए होंगे, वो कालखंड कैसा था, मेरी आंखों के सामने स्वतः ही आ रहा था। और मैं उसको जब भी याद करता हूँ तो जनरल साहब का मुझे स्मरण आ जाता है। और उनकी जो दुर्घटना हुई उससे पहले एक बार वो देहरादून आए थे, तो शाम को उन्होंने बहुत सारे इसमें से भी जो हमारे सैन्य अधिकारीगण आए हैं वह भी उस कार्यक्रम में थे, तो उस दिन उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि कैसे हम यहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम करेंगे, कैसे पर्यावरण के लिए काम करेंगे, कैसे हम तीन तीन चार चार जगह सैनिकों के जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा उनके साथ बताया हुआ ये वार्तालाप है। भाइयों बहनों, में आज के इस अवसर पर एक और महान व्यक्ति हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी को भी नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने नागर जी के साथ इस विद्यालय की नींव रखी थी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज नागर जी और स्कूल प्रबंधन निरंतर प्रयासरत है। यदि मैं कहूँ कि प्रोफेसर कलाम जी द्वारा स्कूल के रूप में रोपा गया एक छोटा सा पौधा आज एक बट वृक्ष का रूप ले चुका है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उचित समाधान भी उपलब्ध कराती है। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा दिया, उस नारे को हम सबको मिलकर सार्थक करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि आप सब लोग आने वाले समय में देश का भी भविष्य है। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव हो जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। हम आपके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति से जहां एक ओर स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्गों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी को मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूँ अपने प्यारे बच्चों को कि आपके अभिभावक की तरह हमेशा हम लोग आपके साथ हैं और आपके वर्तमान और सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उनको हम लोग हर कदम उठाएंगे और उसमें कभी भी कोई संकोच नहीं करेंगे। अभी अभी हमने देश का जो लंबे समय से जिसके बारे में लोग प्रतीक्षा करते थे और समान नागरिक संहिता देश में लागू हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलकर पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार उत्तराखंड में हमने एक छोटा सा ये प्रयास हमने किया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उसके लिए हमको मौका दिया और हमने उनके साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया। समान नागरिक संहिता यहाँ पर विधेयक के रूप में हमने पारित कर दिया है। अंत में मैं पुनः एक बार आप सब की तरफ से अपनी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ ही आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।